लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दिया तुमने मुझे। चलो 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 वापस चलते हैं। एक मिनट रुको, ऐसे घरों में रहने वाले चाबी यहीं कहीं छुपाता है। मैं देखता हूं, यहां तो नहीं, यहां भी नहीं। क्या कर रहे हो? अरे ढूंढ रहा हूं। चले कौन? सॉरी, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए। दरवाजे के इस तरफ मैं हूँ, आप कौन? एक्चुअली कार ब्रेक डाउन हो गई थी तो मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं? लेकिन मेरे पास तो फोन नहीं है। लैंडलाइन भी चलेगा? ऐसे मौसम में सब बंद हो जाता है। अगर बुरा ना माने तो हम ट्राई करें। बुरा तो लग रहा है, लेकिन मना नहीं करूंगा। इस तरफ। ओ, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है। ये तो बंद है। बारिश रुकने तक हम यहाँ रुक सकते हैं? श्योर, क्यों नहीं। आपको कपड़े चाहिए? नो, इट्स ओके, आई विल मैनेज। बदल लो, पूरी भीग गई हो। कहाँ जाना है? कमरा ऊपर की तरफ है, जाओ। ओके।
Thanks for the clothes. Thank you. चल रहा है? नहीं, बारिश रुकेगी तब फिर से देखता हूँ। ये किसकी ड्रेस है? माँ की है। माँ कहाँ है? मर गई। आज के ज़माने में मोबाइल नहीं यूज़ करने वाले बहुत कम हैं। लगता है आप उनमें से एक हो। क्यों, गुनाह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। It's just surprising. एक बार मैंने कोशिश की थी, पर वो मुझे रास नहीं आया। इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं? अच्छा घर है कितने? मेजबान होने के नाते सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ मैं रखता हूं, और आप मेहमान हो तो उस नाते आपके जवाब सुनने में मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो सवाल सिर्फ मैं ही करूंगा। क्या नाम है आपका? अर्चना। सिर्फ अर्चना? अर्चना पिल्ले। अर्चना, तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो, है ना? आप कैसे कह सकते हैं? सिर्फ देखने से। इतना ही नहीं, तुम दोनों को मिलके ज्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 2 या 3 महीने। 3 महीने? आपको कैसे पता? ऑब्जर्वेशन। तुम दोनों के बीच की दूरी से मैं समझ गया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के अलावा और भी कुछ करती हो? करती हूँ, लॉयर हूँ हाई कोर्ट में। वकील हो? झूठ को सच में बदल कर जीती हो। आप वकीलों के विरोध में हो क्या? नहीं, वकीलों के नहीं हूँ, झूठों के हूँ। झूठ है या सच है वो वकील नहीं, कोर्ट तय करता है। पब्लिक को भी इसका अधिकार नहीं है। आपका सच किसी और के लिए झूठ हो सकता है। मैं समझा नहीं। सी, सच और झूठ के बीच में जो कॉमन होता है वो है फैक्ट्स। ये फैक्ट्स ही हैं जिन्हें लॉयर्स सबके सामने लाते हैं। सच और झूठ में कोई फर्क नहीं है, ये कहना चाहती हूँ? हाँ, कोई पूरा सच कहता है पर पूरा झूठ नहीं कहता। हर झूठ में कुछ सच छुपा होता है। ओ, आपको क्या लगता है मिस्टर एलेक्स? लगता है क्या? लगता है सच को छुपाने के लिए ही सब झूठ बोलते हैं, है ना? बात तो है। थैंक यू। आप भी वकील हो क्या? अरे नहीं, मैं वकील नहीं हूँ, मैं तो राइटर हूँ। अच्छा, राइटर हो? हाँ। आज तो घर में बड़े बड़े लोग आए हैं। एलेक्स पारेल, एलेक्स पारेल। हिंदी में लिखी है तो मैंने पढ़ी होगी। हिंदी में ही लिखी है, पर शायद आपने पढ़ी नहीं होगी। एक ही किताब लिखी अभी तक और इसी साल पब्लिश हुई है। आपकी किताब का नाम क्या है? इरुल। इरुल, अंधेरा, अंधकार। तुमने यह किताब पढ़ने की हिम्मत की है क्या अर्चना? नहीं। कहूंगा तो यकीन नहीं होगा। मैंने हिम्मत की और ये मेरा सौभाग्य है। आपने पढ़ी है? पूरी पढ़ी है। कैसी लगी? आपकी क्या राय है? पूछो मत, दुखी हो जाओगे। अर्चना, वाइन के बारे में क्या राय है? वाइन अच्छी चीज है। यहां पर सेल्फ सर्विस चलती है।
तुम क्या लेना चाहोगे? विस्की। ऐसा क्यों कहा आपने? क्या? कि मैं दुखी हो जाऊंगा? तुम्हारे किताब का किरदार, वो सीरियल किलर? हाँ, वो जो बरसों पहले खून हुए थे, ये किताब उस पर आधारित है ना? हाँ है, और ये खबर सब जगह आग की तरह फैल भी गई थी। मैं आलोचना कर सकता हूँ अगर मुझे इजाजत हो तो। तुम्हारे हिसाब से उसने 6 खून किए थे। 6 नहीं 5 खून किए थे। 5 खून? और ऐसा करने का कारण? प्रतिशोध। किसके खिलाफ? स्त्रियों के खिलाफ। स्त्रियों के खिलाफ? कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो 5 हत्या औरतों की ही थी। उसने उन्हें ब्रूटली टॉर्चर किया था। इसके अलावा उनके बाल भी, 5 औरतों के बाल शेव कर दिए थे उसने। इतना नीचे गिरना मतलब प्रतिशोध या गुस्सा ही हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन उसके प्रतिशोध का कारण तुम्हारी किताब में साफ नहीं लिखा है, और मुझे साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। थैंक यू। मेरी मां है। इन विनो वेरिटास। ये सच बुलवाती है। मिस्टर एलेक्स, साइकोलॉजी ये कहती है आपके उपन्यास में कुछ कमियां हैं। हत्यारे की मंशा स्पष्ट नहीं है। सबसे पहली बात, ये एक क्राइम थ्रिलर है, कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है। और बात रही वजह की, तो वो प्रतिशोध है। बाकी सब रीडर्स को ये बात समझ में आ गई है। मिस्टर एलेक्स, आप जैसे नए लेखक के साथ बात करने का मौका मैं हमेशा चाहता था, लेकिन मेरे कुछ मत हैं। आपकी किताब में जो हत्यारा है वो हम में से कोई भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमें उसकी भी सुननी चाहिए। स्त्रियों के खिलाफ अगर उसका प्रतिशोध ही कारण है तो आप उसे स्पष्ट कीजिए। अपमान, स्त्रियों से हुआ अपमान। हो सकता है, प्रतिशोध के अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। कैसा कारण? जिज्ञासा, कौतूहल। स्त्रियों के शरीर का, उनकी मानसिकता का। इन हत्याओं के बारे में मैंने पेपर में पढ़ा था, और फिर तुम्हारी किताब में। मेरे हिसाब से हत्या करने का कारण प्रतिशोध नहीं है, कौतूहल है। कौतूहल की वजह से कोई इंसान किसी की जान तो नहीं ले सकता ना? सेक्सुअलिटी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं, किसी भी पीड़ित का बलात्कार नहीं हुआ था, ना ही किसी को सेक्सुअली अब्यूज किया गया। इस केस में ये कारण है ही नहीं। तो क्या कारण होगा? काफी छानबीन करने के बाद ही मैंने इस किताब को लिखा है। मेरा जजमेंट गलत नहीं हो सकता। किस तरह की छानबीन की थी तुमने? फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से कई दिनों तक उन औरतों का खून बहता रहा, और इसका मतलब उसे सिर्फ उन्हें मारना नहीं था बल्कि तड़पा कर मारना था। उनके शरीर पर सिर्फ ब्लेड और चाकू के ही नहीं बल्कि कई अलग अलग धारदार हथियार के निशान भी पाए गए हैं। उनकी बॉडी को रस्सी से बांधा गया था, जो साबित करता है कि उन्हें लटकाया गया था। उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया। जिज्ञासा, नहीं, ये तो पागलपन हुआ ना? मतलब हत्यारा अब पागल है? पूरा पागल है। 5 औरतों को मार के पुलिस के हाथ भी नहीं लगा, वो पागल हो सकता है क्या? होशियार पागल आदमी है। आई थिंक ही इज ब्रिलियंट। मान लिया, अगर वो पकड़ा जाए तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए?
निर्भर करता है उसने किन परिस्थितियों में हत्या की है उस पर। हम तो बस उसकी मानसिकता की कल्पना ही कर सकते हैं। आई थिंक दिस पीपल हैव टू बी स्टडीड एंड उसके बाद ही उनकी ट्रीटमेंट की जानी चाहिए। मिस अर्चना, मैं आपको गलत समझ रहा था, लेकिन अब आपको और जानने की इच्छा रखता हूं। पहले जो कहा उसके लिए माफ कर दीजिए, लेकिन एलेक्स की किताब में अंत में हत्यारे की मौत हो जाती है। एक बात बताओ, कैंसर के रोगी को हमें मार देना चाहिए? कैंसर हुए पार्ट को काट कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सोसाइटी में कैंसर से कम नहीं होते। वो कैसे करना चाहिए? उन्हें मार के। स्टॉप इट एलेक्स, ही इज जस्ट जोकिंग। राइटर है ना, इसकी कल्पना दूर तक जाती है। वही तो बात है, कल्पना। एलेक्स की किताब में मुझे यही बात अच्छी नहीं लगी। कल्पना के बिना कोई कैसे किताब लिखता है? अनुभव। ये पूरी की पूरी सृष्टि अनुभव से ही जन्मी है। आप ये कहना चाहते हो एलेक्स को हत्या के बारे में लिखने के लिए एलेक्स को खुद हत्या करनी होगी, है ना? बिल्कुल। कम से कम वो उस हत्यारे के मानसिक स्थिति के बारे में समझेगा। एक बात बताओ एलेक्स, क्या लिखना ही तुम्हारी रोजी रोटी है? नहीं, लिखना पैशन है। वैसे बिजनेस करता हूं। कैसा बिजनेस? हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म। फीसन ग्रुप कंपनीज के ओनर है। पार्टनर हूं। तो चलो तुमसे कुछ और पूछता हूं। तुम्हारा इतना अच्छा काम होने के बावजूद जिज्ञासा की वजह से मिस्टर एलेक्स आप राइटर बने, उसी तरह उस हत्यारे को भी तो कलाकार बनना था, आत्मा की संतुष्टि के लिए। जैसे एक शिल्पकार पत्थर से मूर्ति बनाता है, वैसे ही। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, अब तक हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं किया। आपका नाम क्या है?